क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियोलॉजिस्ट को रिप्लेस कर सकती है आइए देखते हैं माय नेम इज डॉक्टर अनुज अग्रवाल एंड आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम सदरज हॉस्पिटल दिल्ली आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे वो चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके बारे में बहुत बातें होती हैं और सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रेडियोलॉजिस्ट आर गोइंग टू बी रिप्लेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर में ऐसा होगा कि ए के थ्रू ही सारे स्कैन्स को स्क्रीन कर लिया जाएगा और रेडियोलॉजिस्ट का इमरजेंसी में या फिर काफी हद तक काम खत्म हो जाएगा रेडियोलॉजिस्ट विल भी आउट ऑफ जॉब तो इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रेडियोलॉजिस्ट का काम खत्म हो जाएगा ये बात बिल्कुल उसी तरह से है जैसे की सेल्फ ड्रिवन या ड्राइवरलेस कार आने की वजह से अब सड़कों पे सिर्फ बिना ड्राइवर वाली कारें चल रही हैं ऐसा कहीं देखा है आपने प्लेन में भी ऑटो पायलट मोड होता है पर इसका क्या ये मतलब है है कि बिना पायलट के जो प्लेन वो अपने आप उड़ा करेगा और किसी भी फ्लाइट में अब कोई पायलट पायलट नहीं हुआ करेगा विल बी आउट ऑफ जॉब ठीक उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से रेडियोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर अपनी जॉब नहीं खोएगा रेडियोग्राफिक जो रेडियोलॉजी की एक बहुत रेप्यूटेड जर्नल है उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि रेडियोलॉजिस्ट का काम सिर्फ इमेजे देखना और उसको इंटरप्रेट करना नहीं होता बल्कि ये एक है। इस आर्टिकल में पहला है वो अल्ट्रासाउंड होता है जहाँ बाहर की कंट्रीज में अल्ट्रासाउंड एक सोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है और उसको इंटरप्रेट करने के लिए को इमेजेस भेजी जाती है इंडिया में ऐसा नहीं होता इंडिया में अल्ट्रासाउंड भी एक रेडियोलॉजिस्ट ही करता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक डायनेमिक एग्जामिनेशन है किस तरह से किया जा रहा है

इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ऑप्टिमल रिपोर्टिंग कर सकता है इस रिपोर्ट के मुताबिक जब एफ डी एआई टूल को एफ का एग्जाम देने के लिए टेस्ट किया गया तो वो सिर्फ 10 में से दो ही टेस्ट को पास कर पाया जिससे पता लगता है कि स्टिल इतनी एडवांसमेंट के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्यूरेसी के मामले में अभी काफी पीछे है ये एक मीम है जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेमस है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक डॉग को कंप्यूटर ने एक टाइगर के रूप में रिकोगनाइज किया है इस तरह के एरस मेडिकल फील्ड में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में भी एक एक्यूरेट मोडेलिटी नहीं है अगला पॉइंट एक्चुअली इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी

अवेलेबल नहीं है उसी तरह से पैक्स जिसे पिक्चर आर्काइविंग और कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जाता है जिसके जरिए हॉस्पिटल के किसी एक कॉर्नर में बैठ के आप रेडियोलॉजी का कोई भी स्कैन खोल सकते हैं या फिर पैथोलॉजी के कोई भी इमेज को खोल सकते हैं उसे दूर से ही एक्सेस करके पेशेंट के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन जल्दी ले सकते हैं ये टेक्निक भी बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन जहाँ पर बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स में एम और सी स्कैन की मशीनें नहीं है मेमोग्राफी की मशीनें नहीं है क्या वहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मोस्ट एडवांस में वो आएगा और वो अचानक से ही सारे रेडियोलॉजिस्ट को बोलेगा कि आप घर जाओ और आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही सारी रिपोर्टिंग होगी इस आर्टिकल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है जिस तरह से एक पायलट किसी फ्लाइट में प्लेन उड़ा रहा है तो उसके पास बहुत सारे अनवॉन्टेड और टीडीएस काम होंगे उसके पास हर मोमेंट पे हजारों इन्फॉर्मेशन चाहे वो वेदर रिपोर्ट हो चाहे कॉर्डिनेट हो हजारों इन्फॉर्मेशन उसके स्क्रीन पे डिस्प्ले होती रहती है पर मशीन के थ्रू जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो उसके काम की इन्फॉर्मेशन है या जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो हाईलाइट होकर आती है इसी तरह से रेडियोलॉजिस्ट को भी बहुत सारे टीडीएस काम से डील करना पड़ता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस, इस चीजों में किया जा सकता है कि किसी भी ट्यूमर का साइज मशीन अपने आप ले लेगी किसी भी ट्यूमर को वो पिछले स्कैन से कंपेयर करके अभी ये डिसीज प्रोग्रेस कर रही है या फिर ये डिसीज स्टेबल है या फिर ये रिग्रेस कर रही है ये चीज अपने आप बता देगी जैसे की आप एक्सरे रूम में बैठ के दिन भर डेढ़ से दो एक्सरे देखेंगे जिसमें से अधिकतर एक्सरे नॉर्मल होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या मशीन लर्निंग के थ्रू या कंप्यूटर एडिड डायग्नोसिस के थ्रू एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग हो सकती है जिसके थ्रू जो फाइंडिंग वाले एक्सरे हैं वो अलग करके आ सकते हैं मैमोग्राफी में जो लीजन है वो अलग

करेगा कि ये मेलेग्नेंसी की तरफ इशारा करता है इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ पाना और एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी मशीन के लिए बहुत ही मुश्किल है तो जिस तरह से कंप्यूटर के आ जाने से या कैलकुलेटर के आ जाने से किसी चार्टेड अकाउंटेंट का काम खत्म नहीं हुआ है बल्कि उसे हेल्प हुई है उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर फ्यूचर में और ज्यादा डेवलप होकर हमारी कंट्री में भी आता है तो डेफिनेटली ये रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प करेगा रादर देन उनको रिप्लेस करेगा